लास्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट के डिबगिंग फीचर के बारे में स्टडी किया था. नेक्स्ट फीचर जो हम एडवांस जावा में देखेंगे वो है इमेज मैप. जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके हम लोग क्लाइंट साइड इमेज मैप क्रिएट कर सकते हैं. क्लाइंट साइड इमेज मैप्स को इमेज टैग के यूज़ मैप एट्रीब्यूट से इनेबल किया जा सकता है और उसमें कुछ एक्सटेंशन टैग्स जैसे कि मैप और एरिया हम लोग साथ में यूज़ करते हैं. तो देखते हैं इमेज मैप जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट किया जाता है. ओके, फर्स्ट हम लोग एक इमेज इंसर्ट करेंगे इमेज एलिमेंट के थ्रू जो नॉर्मली हम लोग करते हैं. ओके, उसके बाद यूज़ मैप एट्रीब्यूट में हम लोग वैल्यू पास करेंगे. वो वैल्यू रहेगी जो मैप एलिमेंट में हमारा नेम रहेगा. ओके, मैप एलिमेंट एक्चुअली मैप क्रिएट करता है इमेज के लिए. ओके, मैप एलिमेंट में हम लोग एरिया एलिमेंट डिफाइन करते हैं. एरिया एलिमेंट में हम लोग शेप और कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं. उस कोऑर्डिनेट्स में वो एक मैप या हॉटस्पॉट बन जाता है. ओके, एक क्लिकेबल हॉटस्पॉट होता है. उस पर्टिकुलर शेप में क्लिक करने पर वो एज अ मैप बिहेव करेगा. यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट का हमने स्नैपशॉट दिया है वहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है. ओके, उस प्रोग्राम में देखिए स्क्रिप्ट टैग में एक बेसिक फंक्शन है, राइट, और बॉडी टैग में देखिए इमेज एलिमेंट में हमने एक इमेज इंसर्ट करी है जो कि है मैप डॉट जेपीजे इमेज. ओके, और वहाँ पर देखिए हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है यूज़ मैप. ये देख सकते हैं यूज़ मैप एट्रीब्यूट है. यूज़ मैप एट्रीब्यूट में हमने एक वैल्यू पास करी है. ये वैल्यू होती है, यहाँ पर देखिए मैप करके एक हमने एलिमेंट लिया है. जो मैप का हम नेम देंगे उसी नेम को हम यूज़ मैप में लिखेंगे प्रिसीडेड बाय हैश. ओके, सो यहाँ पर हम लोग एक मैप क्रिएट कर रहे हैं. मैप जो एलिमेंट है वो एक्चुअली मैप क्रिएट करता है. सो इस मैप एलिमेंट का नेम हम यहाँ पर एट्रीब्यूट में देंगे. सो इस इमेज के साथ वो मैप लिंक्ड हो जाएगा. तो यूज़ मैप और उसका नेम. अब मैप एलिमेंट का एक्सटेंशन टैग रहेगा एरिया एलिमेंट. एरिया एलिमेंट में हम लोग पूरे मैप में बहुत सारी अलग अलग एरियाज डिफाइन कर सकते हैं, राइट. जैसे कि इस मैप में हम लोग एक एरिया देंगे, उसका शेप रखेंगे रेक्टेंगल और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ये. सो इन कोऑर्डिनेट्स के साथ एक रेक्टेंगुलर शेप का जो मैप बनेगा, जो एरिया होगा, वो उस पूरे मैप में उस एरिया पर अगर हम लोग कर्सर लेकर जाएंगे तो हमें ये टेक्स्ट दिखेगा. ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक बड़ा सा मैप है, उस मैप में एक एरिया है. उस एरिया पे क्लिक करने पे मैप के पर्टिकुलर एरिया पर कर्सर या माउस ले जाने पर एक फंक्शन कॉल होता है और वो फंक्शन हमने स्क्रिप्ट टैग में डिफाइन किया है. ओके, सो और उस पर क्लिक करने पर एक नेक्स्ट पेज ओपन होता है जो हमने यहाँ पर दिया है. ओके, सो ये है हमारा बेसिक इमेज टैग, राइट. सो इमेज टैग में हमने मैप यूज़ किया और मैप में एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन किया है, राइट. सो देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इमेज मैपिंग कैसे की जाती है. चलिए इस प्रोग्राम को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं. सो चलिए सबसे पहले एक HTML पेज हम बनाएंगे, राइट. यहाँ पर सारे बेसिक टैग्स हैं, स्क्रिप्ट टैग है, बॉडी टैग है, राइट. सो सबसे पहले हमें एक इमेज इंसर्ट करनी है. तो हम एक इमेज बॉडी टैग में इंसर्ट करेंगे. उसके लिए हम लेंगे एक इमेज टैग img. ओके, इमेज का src यहाँ पे हम पास करेंगे. ओके, ओके, इमेज की विड्थ एंड हाइट सेट कर देते हैं. ओके, और उसके बाद हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे use map, right, equal to, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू देंगे जो भी हम मैप का नेम देंगे वो. ओके, यहाँ पर अभी हम ब्लैंक रखते हैं. ओके, अब इसके बाद हम लोग एक मैप टैग यूज़ करेंगे, ठीक है. मैप टैग में नेम पास करेंगे उसका. नेम आप कुछ भी दे सकते हैं. ओके, ये नेम हमने दिया है इस मैप का. वही नेम हम यहाँ पास करेंगे यूज़ मैप में, लेकिन उसके आगे हम हैश यूज़ करेंगे. ओके, सो हम लिखेंगे हैश
ये है मैप. इसके बाद इसका एक्सटेंडेड एलिमेंट है एरिया, राइट. अब इस मैप में हम लोग एरिया डिफाइन करेंगे और उसका शेप और कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. तो शेप सपोज हम कुछ भी रखते हैं, हमने यहाँ रखा है रेक्टेंगल, ओके. और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्ड्स करके लेंगे हम लोग, ओके. ओके, नाउ एरिया के शेप और कोऑर्डिनेट्स हमने दिया है, राइट. अब ऑन माउस ओवर जैसे ही उस एरिया पर माउस आएगा, वहां पर हमें क्या करना है, हम एक फंक्शन कॉल करेंगे. फंक्शन नेम हम देते हैं राइट टेक्स्ट. इट मीन्स जैसे ही उस एरिया पर माउस आएगा कुछ मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए. तो ये एक फंक्शन हम बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है. ये फंक्शन कॉल होगा स्क्रिप्ट टैग में. यहाँ पर कुछ मैसेज हम लिखते हैं, ओके. नेक्स्ट उस इमेज को क्लिक करने पर हम उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं. तो वहाँ पर हम लिखेंगे रेफरेंस. आप कोई भी लिंक दे सकते हैं, जैसे अगर उस इमेज पे हम क्लिक करेंगे या उस मैप एरिया पे क्लिक करेंगे, राइट. सो वो एक और पेज पर लैंड करेगा. वो पेज हमने ये बनाया है, ओके. ओके, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमने एरिया टैग के सेट किए, उसका शेप, उसके कोऑर्डिनेट्स, उस पर माउस ले जाने पर क्या इफेक्ट होगा, राइट. जैसे कि यहाँ पर माउस ले जाने पे एक फंक्शन कॉल होगा, फिर उस पर क्लिक करने पर क्या इवेंट होगा, वेलकम डॉट एच टी एम एल पेज ओपन होगा, न्यू पेज में ओपन होगा, और ये है उसका अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ओके. सो इसके बाद हम लोग इस एरिया को क्लोज करते हैं यहाँ पर, ओके. एंड फाइनली मैप टैग को यहाँ पर क्लोज करेंगे, ओके. अब हम स्क्रिप्ट टैग पे आते हैं. स्क्रिप्ट टैग पे यहाँ पर जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे. ओके, और उस फंक्शन को कॉल करने पर हम लोग सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं. हम लिखेंगे गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके. एक मैसेज हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराएंगे, एक आईडी लेते हैं, ओके. ओके, तो यहाँ पर ये जो मैसेज हमने यहाँ से पास किया है वो फंक्शन के साथ कॉल होगा, और ये फंक्शन कॉल होने पर ये मैसेज मैप पर कर्सर ले जाने पर डिस्प्ले होना चाहिए, ओके. सो गेट एलिमेंट बाय आईडी हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम लोग एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे, ओके, जिसका आईडी हम सेट कर देंगे, जो वहाँ पर हमने लिखा है, ओके. सो ये पैराग्राफ का आईडी सेट किया है, और उस आईडी पे ये फंक्शन, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रखा है, राइट. सो ये एक मैप है. मैप में हमने एक एरिया डिफाइन किया है. एरिया पर माउस
ले जाने पर ये फंक्शन कॉल होगा और उस पर क्लिक करने पर ये पेज लैंड होगा, राइट। एक मैप में आप एक से ज़्यादा एरियाज डिफाइन कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स अलग अलग रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो हमारा मैप है, इस मैप में हम लोग एक और एरिया डिफाइन कर सकते हैं, राइट। आप इस टाइप से एक एरिया ले सकते हैं जिसका शेप आप सर्कल रख सकते हैं, रेक्टेंगल भी रख सकते हैं, राइट। उसके कोऑर्डिनेट्स आप अलग दे सकते हैं, राइट। उसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग इस टाइप से आप कोई कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं, उस पर माउस ले जाने पर कोई और मैसेज प्रिंट कर सकते हैं, राइट। सो पूरे मैप में आप बहुत सारे स्मॉल स्मॉल एरियाज डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो चलिए ये प्रोग्राम को रन करने पे देखते हैं क्या आउटपुट डिस्प्ले होता है। ये देखिए, इस प्रोग्राम को रन करने पर हमें ये आउटपुट मिला है। ये है हमारा मैप, राइट। ये जो मैप या जो इमेज हमने यहाँ पर लोड करी थी वो है, ओके। इनिशियली माउस ले जाने पर ये हमें डिस्प्ले हो रहा है, जैसे ही हम इमेज पर ले जाते हैं, ये एक हॉटस्पॉट है, एक क्लिकेबल हॉटस्पॉट है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, राइट, सो ये नेक्स्ट पेज पे आया है जो है welcome.html, यहाँ पर हमने लिखा है, राइट। और उस इमेज पर माउस ले जाने पर आपको ये डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर एरिया सेट हुआ, ये जो कोऑर्डिनेट्स हमने रखे थे, राइट। सो इन कोऑर्डिनेट्स पर अगर हम लोग ये लेकर जाएंगे तो ये एक हॉटस्पॉट, क्लिकेबल हॉटस्पॉट बन गया। तो इस एरिया में अगर आप क्लिक करेंगे, राइट, सो क्लिक करने पर नेक्स्ट पेज आएगा और उस पर ऑन माउस ओवर आने पर ये टेक्स्ट आपको डिस्प्ले होता है, राइट। सो इतना सा जो रेक्टेंगुलर एरिया, ये एक मैप है। आप इसको एक मैप बना सकते हैं, राइट। आप स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में मैप्स डिफाइन कर सकते हैं, ओके। जैसे यहाँ पर अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स कम कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए, अभी हमें एक जो बेसिक मैसेज मिल रहा है वही है, राइट। कर्सल देखिए अभी तक सिंपल है, मींस ये एरिया जो हमने डिफाइन किया वहाँ पर नहीं आया। जैसे ही उस पर्टिकुलर एरिया में आया, राइट, वो एक क्लिकेबल हॉटस्पॉट बन गया, राइट। और यहाँ पर जैसे ही माउस आया तो यहाँ पर हमें ये डिस्प्ले हुआ है, ओके, ये मैसेज। और ये मैसेज कहाँ से आया है, हमने राइट टेक्स्ट करके जो मेथड है वो कॉल हुआ है, वो कॉल हुआ है स्क्रिप्ट टैग से, ओके। सो ये एक क्लिकेबल एरिया। और ऐसे ही इस एरिया पर अगर आप यहाँ पे कहीं पे क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा, ये देखिए, राइट। लेकिन यहाँ पर जो हमने मैप का एरिया डिफाइन किया उस पर क्लिक करेंगे सो ये नेक्स्ट पेज पर आ जाता है, ओके। सो ये है इमेज मैपिंग यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्राउजर कंपैटिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे।